इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बेगूसराय में लगातार हो रही बारिश से अब आम लोगों के लिए स्थिति जानलेवा बनती जा रही है। ऐसा ही एक मामला रविवार को सामने आया जब तेज बारिश की वजह से कमजोर हो चुके एक मकान की दीवार और उसकी छत पूरे परिवार के ऊपर जा गिरी, जिसमें दो बच्चे समेत चार लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना बेगूसराय के चिलमिल गांव में रविवार की देर रात की है। बेहद ही गरीब परिवार से आने वाले लोग आर्थिक अभाव में खुले आसमान के नीचे सोने को विवश हैं। वहीं पैसे के अभाव में घायलों का समुचित इलाज भी नहीं हो पा रहा है। रविवार की देर रात चिलमिल गांव के रहने वाले मोहम्मद कुद्दूस अपने परिवार के साथ गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी घर की दीवार और छत धराशायी हो गए, जिससे मलबे में दबकर दो बच्चे पत्नी और पति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रुकियो चल ले लो, बताइए बुढ़ा सुरहा, रुकियो भी ले लीजिए। सर इसको भी लीजिए, सब ले लेते हैं, एक मिनट, इसको भी ले लीजिए, सब ले लेंगे। यहां लो भाई, यहां लो, मैं देखिए देखिए इसको देखिए, घायल हो गया। बस बच गया, सब देख रहे मौजूद भाई, काम कट गए हो बेटे, सर ले आओ। बारिश पड़ता था और सब एकदम ही था, बस हम सोए थे नींद में, बारिश नहीं था, बस हम घरे में सो गए। बस एकाएक हरबरा को गिर गया, हम भागने बच्चा को गोदी में लेके भागे, तब तक देह पर गिर गया, हम झुक गए, डिब्बा था एगो, डिब्बा के अंदर हम पड़ गए और ऊपर सिलाब पर टंगड़ी फंसा था, यही पट्टी है इस साइड में, वहाँ पर टूटा और टूट गया। इसकी सूचना आप दिए हैं मुखिया को और यहाँ के विधायक को? जी अब कान गए, सब देखे हैं, तो सबको बुला के दिखाया गया, मुखिया मुखिया को भी बुलाया गया, मुखिया जी भी उस दिन आके देख के गए हैं। 70 साल का था मकान, पानी बारिश हो रहा था, बारिश भरा हुआ था इधर भी, यहाँ भी बारिश का पानी आ जाता है, ये डुबा है बगल में, और उसके बाद ये 1:30 बजे का लमसम घटना हुआ, 1:30 बजे रात। उसके बाद ग्रामीण आए, वो बचाए, सहयोग किए बहुत, उसके बाद मुखिया जी आए तो बोला कि ठीक है इंदिरा आवास, हम जो है 31 के बाद हम आपको पहले देंगे, उसके बाद 500 रुपया भी दे के गए हैं। अच्छा, हाँ 500 रुपया दिए हैं मुखिया जी। क्या नाम है यहाँ के मुखिया का? कल्याणी देवी। उसके बाद वार्ड हमारे अंजुम हैं, वो भी 500 रुपया दिए हैं, 6 नंबर। बाकी गांव घर से हो रहा है, जहाँ तक सहयोग दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जो है, कम से कम उपाय व्यवस्था कर दे, अभी फिलहाल घर तो क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं सर, ईटा रोड़ा का काम करते हैं। बारह आपदा से गिरा है ये घर? जी बारह आपदा से। वो बाकी आप उस जाएंगे देखेंगे और उस लड़ाई को जितने बुलंदी से होगा लड़ेंगे, और अगर भगवान ने कहा, अगर जनता भगवान की कृपा हुई और जनता ने मुझे मैंडेट देने का काम किया, तो निश्चित रूप से उस विकास की गति को हम एक नई आयाम देंगे, एक नई ऊंचाई देंगे, और अगर जनता का प्यार आशीर्वाद कम भी मिला, तब भी हर परिस्थिति में हम उस लड़ाई को लड़ेंगे, अंजाम तक पहुँचाएंगे, और निश्चित रूप से चिलमिल का विकास होगा, यह मेरा
शपथ है या मेरा संकल्प। देखिए आदरणीय विधायक जी का सपना विकास का नहीं है, उनका खुद का विकास का सपना है, मॉल बनाने का सपना उनका है, उनका रोड पुलिया पुल से मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 तारीख को आपका जो पर्व है उसके पहले मैं जाऊँगा, देखूँगा और क्या एफर्ट हो सकता है, क्या प्रयास किया जा सकता है जिससे उस क्षेत्र की समस्या, फिल्मी की समस्या समाधान होगा, उसके दिशा में हम साथियों से मिल बैठ कर तय करेंगे। क्योंकि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, हमारे सभी साथी लड़ेंगे, विधायक हम नहीं होंगे, हमारे सभी साथी होंगे, सारे मतदाता होंगे और उनके हक अधिकार के लिए हमेशा हम लड़ते रहेंगे, आवाज़ बनकर काम करेंगे, यही मेरा सपना है। क्या नाम है? देव कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।